Good morning, class. Myself, Ravindra Poonia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. In today's class, we are discussing about types of solution on the basis of particle size. वो ध्यान से देखिए. Types of solution. Solution के type on the basis of पार्टिकल साइज. पार्टिकल के साइज के हिसाब से सॉल्यूशंस कितने तरीके के होते हैं. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फेज हम कंप्लीट कर चुके हैं हेटरोजीनियस होमोजीनियस. वैसे ही पार्टिकल के साइज के हिसाब से सॉल्यूशंस के टाइप कितने होते हैं. तो नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज द वेरी फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन. द सेकंड वन इज colloidal solution and the third one and the last one is suspension solution. So first is true solution, the second one is colloidal solution and the third one is suspension solution. True solution क्योंकि आप particle की size के हिसाब से classify कर रहे हो तो true solution में particle का size क्या होता है वो अपन को ध्यान रखना है. तो true solutions वो solution होते हैं जिसमें particle का size 10 raised to power minus 10 meter के बराबर या उससे छोटा. तो true solution ये तरीके से आप define भी कर सकते हैं true solution को. the solution in which particle size, मान लीजिए आपने solvent में solute मिला रखा है तो जो पार्टिकल आपने मिलाया है उसका जो साइज है वो 10 रेज टू पावर माइनस 10 इसका मतलब है 0 पॉइंट इसके बाद 10 बार 0 ऐसे 10 बार 0 देन 1. तो 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर इसका साइज या उससे कम इसके बराबर या उससे छोटे. तो मतलब बहुत ज्यादा छोटा जब पार्टिकल होता है इसको हम देख नहीं सकते. इन पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते. 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर इज नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज. तो इतना छोटा जब पार्टिकल का साइज होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है द साइज ऑफ द सॉल्यूशन इन कोलोइडल सॉल्यूशन वो आपका होता है 10 रेज टू पावर माइनस 10 से बड़ा होगा ऑब्वियसली. तो 10 रेज टू पावर माइनस 10 से बड़ा और कहां तक 10 रेज टू पावर माइनस 7 तक इन मीटर चल रहा है ये सब कुछ. तो ये जो x वैल्यू है ये मैंने लिख दिया कोलोइडल सॉल्यूशन. तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो 10 रेज टू पावर माइनस 7 से तो छोटा होगा लेकिन 10 रेज टू पावर माइनस 10 से क्या होगा बड़ा होगा. तो माइनस 7 से लेकर माइनस 10 को हम क्या कहते हैं बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन. और सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होगा तो सिंपल 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर से बड़े जितने भी हैं इन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन. तो सस्पेंशन सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन हो गई वो ये हो गई कि आ सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर. जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन हो गई वो हो गई 10 रेज टू पावर माइनस 7 से 10 रेज टू पावर माइनस 10 के बीच में इनका साइज होता है. जबकि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर या उससे छोटे होते हैं. इज दैट क्लियर. तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन ट्रू कोलोइडल सस्पेंशन. पार्टिकल का साइज ये हो गया. इसको आप टेबुलर फॉर्म में अपनी कॉपी में लिखेंगे आज की डेट डालेंगे टेबुलर फॉर्म में इसे बनाते जाएंगे. ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इतना होता है कोलोइडल में इतना होता है और सस्पेंशन में इतना होता है. अब इससे आगे की बात करते हैं. इससे नेक्स्ट इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होंगे. तो ट्रू सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट या इसकी फिल्ट्रेशन नहीं की जा सकती क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो पाएगा. फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो इतने छोटे भी नहीं होते कि वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर के पार्टिकल साइज को रोक सके. तो क्या ट्रू सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन किया जा सकता है क्या फिल्टर पेपर लगाकर इनके सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग किया जा सकता है. तो आंसर है बिल्कुल नहीं. आप फिल्टर पेपर की हेल्प से इन्हें अलग नहीं कर सकते. जबकि अगर हम बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन की तो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज भी इतना होता है कि उसे भी आप फिल्टर पेपर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. फिल्टर पेपर में का जो पोर साइज होता है वो इतना छोटा नहीं होता कि वो कोलोइडल को भी फिल्ट्रेट कर सके. तो फिल्टर पेपर से ना तो आप ट्रू सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट कर सकते हो ना ही कोलोइडल सॉल्यूशन को. हाँ यहाँ पर एडिशनल नॉलेज के लिए आप ये पता कर सकते हो कि कोलोइडल सॉल्यूशन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से उसको आप फिल्ट्रेट कर सकते हो. अल्ट्रा फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है फिल्टर पेपर से भी कम.
इसके अंडर फिल्ट्रेशन भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ अपने कोर्स में हालांकि इतना ही है कि फिल्ट्रेशन की जा सकती है या नहीं, लेकिन फॉर एड द नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि कोलोइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा फिल्टर पेपर से प्योरीफाई किया जा सकता है, लेकिन फिल्टर पेपर से नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात होती है सस्पेंशन सॉल्यूशन की। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स आएंगे क्योंकि वो बड़ा है इसलिए उसकी फिल्ट्रेशन की जा सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनकी फिल्ट्रेशन नहीं की जा सकती, इनकी फिल्ट्रेशन नहीं की जा सकती, जबकि इनकी फिल्ट्रेशन की जा सकती है। ये नेक डाई से विजिबल नहीं होते। एक और अपन पार्ट यहाँ पर बना सकते हैं, अगर यहाँ से पार्टिकल साइज हटाकर अब मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, ये भी नहीं होते, जबकि ये क्या होते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि आप इसे देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने जो वाटर है, वाटर के अंदर सैंड पार्टिकल डाल दिए, मिट्टी मिला दी पानी के अंदर, तो जब पानी के अंदर आप सैंड डालोगे तो वो आपको विजिबल होगी। जबकि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे, जैसे आपने पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर डाल दिया, तो वो पार्टिकल आपको विजिबल नहीं होंगे। तो ये विजिबल नहीं होते नेक डाई से, ये नहीं होते और ये विजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम पार्ट की बात करें तो स्टेबिलिटी फैक्टर में हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी बनने के बाद कितनी देर तक ये स्टेबल रह सकते हैं, तो बात आती है सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन अगर एक बार आपने बना दिया तो वो हमेशा स्टेबल होता है, वो अपने आप जो उसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो अलग नहीं होते। सिमिलरली अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ये थोड़े लेस स्टेबल होते हैं। इसका मतलब अगर आपने कोलोइडल सॉल्यूशन बना दिया और उसे आपने रख दिया तो हो सकता है एक दो दिन बाद जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन होना चालू कर दें, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते, तो आप कह सकते हो नॉन स्टेबल। अगर आपने पानी के अंदर मिट्टी मिलाकर इस तरीके से उसको स्टिर कर दिया और स्टिर करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया तो थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि जो सैंड के पार्टिकल वो हैवी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो आप कह सकते हो कि सस्पेंशन सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होते, जबकि ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट हो गया इनके बीच में डिफ्रेंशिएट का। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी हो गई, नेकडाइज हो गया, अब एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइंडल इफेक्ट। टाइंडल इफेक्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आप इन चार जो हमने डिफरेंशिएट करे और प्लस में तीन जो हमने डेफिनेशन करी उन्हें अच्छे से करें। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ट्रू कोलोइडल सस्पेंशन, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, देन स्टेबिलिटी, देन फिल्टर हो सकते हैं या नहीं, नेक डाई से विजिबल होते हैं या नहीं। इन सभी को आप आज कंप्लीट कर लें।